अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। दोस्तों, रोज़ाने की तरह आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोहब्बत के एक जलाने वाले पावरफुल तावीज़ के बारे में। दोस्तों, ये तावीज़ बहुत जल्द असर करने वाला है अगर आपने सच्चे दिल के साथ, पूरे यकीन के साथ और पाको पाकिजगी के साथ इस तावीज़ को बनाया, तो ये तावीज़ 5 मिनट के अंदर असर करेगी और 5 मिनट के अंदर ख़ुद आपको ये एहसास होगा कि इस तावीज़ का कितना ज़्यादा फ़ायदा है और हमारे महबूब का झुकाव हमारी तरफ हो गया है। यानी किसी के दिल को अपने काबू में करने के लिए, अपनी मुट्ठी में बंद करने के लिए, यानी जैसा आप कहें वैसा आपका महबूब करे, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यानी अगर आपका महबूब आपसे बात नहीं करता, आपसे दूर हो गया हो, या मोहब्बत में लड़ाई झगड़े हो गए हों, उसके लिए ये बेइंतहा फ़ायदेमंद तावीज़ है। यानी इधर आप जलाएंगे और उधर उसका असर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपने करना क्या है मैं पूरी चाल के साथ आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपने बनाना है और बनाने के बाद इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, बस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, बीच में आप लोग वीडियो को छोड़ा ना करें, इसलिए कि बहुत से लोग जो है वो वीडियो को बीच ही में छोड़ देते हैं और फिर तरह तरह के वो जो है वो सवालात करते हैं। तो आप देखें मैं किस तरीके से इस तावीज़ को बना रहा हूँ। सबसे पहले आपने करना क्या है कि इस तरीके से एक सफ़ेद कागज़ ले लेना है और ये आपने 4 खानों वाला जो है वो नक्श बना लेना है। और बनाने से पहले आपने पाक साफ रहना है, बावजूद नजासत की हालत में बिल्कुल भी कोई तावीज़ आपने नहीं बनाना है। सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ 786 लिख देना है, ठीक। बिस्मिल्लाह का जो अदद है वो 786 आपने यहाँ लिख देना है। अब उसके बाद आ जाइए इस खाने में, आपने इस खाने में एक लिखना है, ठीक। एक लिख दिया, फिर यहाँ इस खाने में आपने 2 लिखना है, ठीक। बिल्कुल इसी तरीके से आपने भरना है और इस खाने में आपने लिखना है 3, ठीक। इस खाने में आपने लिखना है ऐन स्वाद, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ इस खाने में आ जाना है 5, ठीक है। इसके बाद आपने जो है वो आना है इस खाने में, ठीक। यहाँ आपने लिखना है 6, ठीक। बिल्कुल इसी तरीके से आपने भरना है और जिन साहिब को भी इस तावीज़ की इजाज़त चाहिए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे जो है आमीन लिख करके हमें कमेंट कर दे, वो हमारी तरफ से बिल्कुल उस इंसान को इजाज़त मिल जाएगी। इजाज़त लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी तरफ से इस तावीज़ की आपको इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन जिस तरीके से हम बता रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपने इस तावीज़ को बनाना है, बनाने के बाद इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपने यहाँ 6 लिख दिया, अब उसके बाद इस खाने में आ जाइए, यहाँ 7 लिखना है, ठीक। अब फिर उसके बाद इसमें आना है, ठीक है। यहाँ 8 लिखना है, ठीक। फिर उसके बाद अब आ जाना है आपने यहाँ इस खाने में, ठीक। यहाँ लिखना है आपने 9992, ठीक। फिर इस खाने में आ जाइए 9993, ठीक। इसके बाद आपने जो है वो आना है, ये 10वां खाना हमने भरा, उसके बाद 11वां खाना ये है, ठीक। 9994, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आ जाइए 9995। बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों आपने इसको तावीज़ को भरना है। जब तक चाल के साथ भरेंगे नहीं वो आपको जो है वो फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। उसके बाद आपने जो है वो लिखना है इस खाने में 9996, फिर यहाँ आ जाना है 9997, ठीक है।
फिर उसके बाद इसमें आना है आपने 9 9 9 8। ठीक, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल इसी तरीके से आप भर लें। इस खाने के बाद आपने जो है वो आना है इस खाने में 9 9 9 9। ठीक है, ये आपने 4 मरतबा 9 लिख देना है। ठीक है दोस्तों, ये नक्शा आपके सामने बन कर के तैयार हो गया। अब आपने नीचे यहाँ जाना है, यहाँ नीचे आपने लिखना है फलां बिन फलां अला कल्बे फलां बिन फलां। ठीक, अगर कोई लड़का किसी लड़की के लिए बना रहा हो तो सबसे पहले यहाँ लड़की का नाम, ठीक, बिन की जगह बिनते यहाँ लिख देना है। ठीक, ये बिनते, फिर उसकी माँ का नाम, फिर यहाँ जो है लड़का अपना नाम लिखेगा, फिर बिन, फिर अपने बाप का नाम। अगर कोई लड़की किसी लड़के के लिए बना रही हो तो लड़के का यहाँ नाम, फिर बिन, फिर उसके बाप का नाम। लड़की यहाँ अपना नाम लिखेगी, बिन की जगह बिनते, फिर यहाँ अपनी माँ का नाम लिख देगी। इस तरीके से ये नक्श जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों आपने करना क्या है, आपने इसको जो है वो जलाना है। ठीक दोस्तों, पहले ही दिन जब आप इसे जलाएंगे तो आपको इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों याद रहे कि पूरे यकीन के साथ सच्चे दिल से आपने इस नक्श को जलाना है। ठीक है, ये ज़रूर भी ज़रूर ये नक्श आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, लेकिन यकीन के साथ ही आपने इसको जलाना है और पाको पाकीज़ा हो करके। ठीक, पहले दिन आप जलाएं, अगर पहले दिन आपका काम नहीं हुआ तो दूसरे दिन जला दें, दूसरे दिन नहीं हुआ तो तीसरे दिन भी जला दें, यानी 3 दिन कम से कम इस ताबीज़ को आपने जलाना है और रोज़ाना आपने ये नया नक्श जो है बनाना है। तो दोस्तों आज की ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।